इस वीडियो में हम 10th क्लास की मैथ जनरल ग्रुप एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 15 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर एंड 39 सेंटीमीटर, शो दैट इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है जो भी हमने पहले सॉल्व किया है, तो ये उसी तरह सेम इसका प्रोसीजर होगा। वहां पे हमने तीन पार्ट सॉल्व किए थे, ये सिंगल क्वेश्चन है तो इसको हम सॉल्व करते हैं। का सॉल्यूशन देखते हैं। अब राइट ट्रायंगल फाइंड करने के लिए हमने पहले भी ये फॉर्मूला लिखा था, तो ये है, ट्रायंगल्स विल बी राइट ट्रायंगल्स इफ द स्क्वायर ऑफ द बिगेस्ट लेंथ इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू लेंथ्स। जो सबसे बड़ी लेंथ होगी उसका हम स्क्वायर लेंगे, तो जो दूसरी दो लेंथ्स हैं उनके स्क्वायर के सम करेंगे, तो दोनों अगर बराबर आ गए तो ये इसका मतलब होता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब 15, 36 और 39 में 39 सबसे बड़ा है, तो इसका हम स्क्वायर ले लेंगे। 39 का स्क्वायर इज इक्वल टू की जगह इक्वल का साइन, और जो बाकी दो साइड्स थी उनका हमने सम लेना है स्क्वायर्स का, तो हमने क्या किया, 15 का स्क्वायर लिखा और 36 का स्क्वायर लिखा, और उनके दरमियान सम की जगह हमने प्लस का साइन लगा दिया। सम और प्लस एक ही चीज। अब 39 का स्क्वायर ओपन करें तो 39 को 2 टाइम्स लिखना है, आपस में मल्टीप्लाई करें तो 15 20 आ जाता है, इक्वल का साइन ऐसे ही लिख देना है। नेक्स्ट हमने 15 का स्क्वायर ओपन करना है, तो 15 को 2 टाइम्स लिखा, 15 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो 225 आता है। नेक्स्ट हमारे पास प्लस का साइन है, इसको ऐसे लिख देना है। अब 36 का स्क्वायर ओपन करने के लिए 36 2 टाइम्स लिखा, आपस में मल्टीप्लाई किया तो 1296 आ गया। अब 1521 इज इक्वल टू ऐसे ही लिखा। अब 225 प्लस 1296 करें तो 1521 आता है। अब इक्वल की दोनों साइड्स पे देखें तो लेफ्ट और राइट साइड्स की वैल्यू जो है वो सेम है, ठीक है, 1521 ही है। तो हमने लिखा द गिवन ट्रायंगल इज राइट ट्रायंगल। इस तरह ये हमारा आंसर आ गया।